अपर्णा मौजम, सीएम डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए, जिसमें सबसे बड़ा फैसला है 450 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर देने का फैसला। बीजेपी ने लाडली बहनों और उज्ज्वला योजना की लाभार्थियों को 450 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर देने का वादा किया था। गौरतलब है कि ये योजना चुनाव से पहले कुछ महीने चली थी, लेकिन चुनाव आचार संहिता लागू होने की वजह से इसे बंद कर दिया गया था। इसके अलावा रक्षाबंधन के मौके पर लाडली बहनों को 250 रुपए देने का भी फैसला किया गया, जिसकी घोषणा सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने की थी। इसके अलावा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को प्रधानमंत्री बीमा योजना के तहत बीमा देने पर भी मुहर लगी, जिसका प्रीमियम सरकार भरेगी। कैबिनेट की बैठक में ग्रामीण सड़क योजना के तहत अधूरी सड़कों को पूरा करने का भी फैसला किया गया। मैं ये बात भी दोहराना चाहूंगा, रक्षाबंधन का सावन का महीना है, रक्षाबंधन भी आने वाला है। ऐसे में हमारी सभी लाडली बहना और खास करके उज्ज्वला गैस कनेक्शन की बहनों का, जिनका गैस कनेक्शन है, ये इनकी संख्या लगभग 40 लाख के आसपास है। इनको हम अपने वित्तीय संसाधन से 450 रुपए में गैस कनेक्शन का जो सब्सिडी देने का हमने घोषणा पहले से की हुई है, हम उस पर कायम है। आज कैबिनेट के माध्यम से हमने और दोबारा उसको पुष्टि की है कि इनका हेड खोल करके उनको वो राशि दी जाएगी। ये वही बात है जिसके लिए हमने कहा था कि हमारे द्वारा कोई योजना बंद नहीं की जाएगी, बल्कि और योजनाओं में इजाफा करके सभी वर्गों का खास ध्यान। तो लाडली बहनों को जो हमारी घोषणा थी सब्सिडाइज रेट पर गैस की टंकी देने की, उसको भी आज कैबिनेट ने मंजूरी देते हुए 160 करोड़ का इसमें प्रावधान बजट में किया गया। तो जो हमने वादा किया था उसी वादे को पूरा किया है, और उन सवालों को जवाब भी जो सवाल पूछ रहे थे कि आखिरकार कब वादे, अधूरे वादे पूरे होंगे। और साथ ही सीएम ने इस बात को भी दोहराया कि जो लोग ये कह रहे थे कि तमाम योजनाएं बंद हो जाएंगी, वैसा नहीं है। और उन तमाम योजनाओं का जिनका जिक्र पहले भी किया था, उन्हीं योजनाओं को अमली जामा पहना रही है सरकार धीरे धीरे करके। और ये रक्षाबंधन के त्योहार से पहले ये एक और बड़ी सौगात दी है लाडली बहनों को। 40 लाख का नंबर है जो उज्ज्वला के तहत लाभार्थी महिलाएं हैं, उन्हें 450 रुपए में सरकार सिलेंडर देगी, और उसके बाद का जो ऊपर का जो भी खर्चा होगा, ऊपर की पूरी जो लागत होगी, उसका वहन, उसका भार सरकार की ओर से उठाया जाएगा। कैबिनेट की बैठक में और महत्वपूर्ण फैसले भी लिए गए हैं। सबसे बड़ा फैसला 450 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर देने का है। इसके अलावा रक्षाबंधन के मौके पर अगस्त की पहली तारीख को लाडली बहनों को 250 रुपए देने का फैसला सरकार पहले ही अनाउंस कर चुकी है, और साथ ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को प्रधानमंत्री बीमा योजना के तहत बीमा देने पर भी मोहर लगी, इसका प्रीमियम सरकार भरेगी। कैबिनेट की बैठक में ग्रामीण सड़क योजना के तहत अधूरी सड़कों को पूरा करने का भी फैसला किया गया है। जो सड़कें अधूरी रह गई थी उनका निर्माण कार्य भी पूरा किया जाएगा। आंगनबाड़ी सहायिकाओं के लिए भी फैसला लिया गया है, कार्यकर्ताओं और जो सहायिकाएं हैं उनका बीमा, जिसका प्रीमियम सरकार भरेगी। ग्रामीण अंचल की जो योजना है सड़क योजना, उसके तहत जो अधूरी सड़कें हैं उनका निर्माण कार्य भी पूरा कराया जाएगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एमपी की बीजेपी सरकार ने अपना वादा पूरा कर दिखाया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का बीमा कराया जाएगा, राज्य सरकार भरेगी बीमे का प्रीमियम, हमारे साथ हमारे सहयोगी जो अलग अलग लोकेशन से हैं वो जुड़ गए हैं आखिरकार। मिथिलेश, आपको नजर आ रहे हैं,
अमित आपको दिखाई दे रहे हैं और पवन पटेल हैं जबलपुर से, अमित जायसवाल खंडवा से, इंदौर से मिथिलेश गुप्ता। मिथिलेश पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी। मिनी मुंबई आर्थिक राजधानी है इंदौर, वहां पर इस योजना के ऐलान के बाद कि 450 रुपए में लाडली बहनों को मिलेगा सिलेंडर, किस तरह के रिएक्शन हैं? देखिए इस वक्त इंदौर में क्या तस्वीर, सबसे पहले वो आपको दिखा देता हूँ कि लाडली मध्य प्रदेश की लाडली बहना इन तस्वीरों में आपको नजर आ रही होंगी, और लाडली बहना एक दूसरे को मिठाई खिला रही हैं, मिठाई खिला रही हैं, और मोहन कैबिनेट का सरकार का जो फैसला है उसका स्वागत कर रहे हैं, और ये खुशियाँ हैं, और ये खुशियाँ आपको नजर आएंगी कि जो 450 रुपये का तोहफा मिला हुआ है उसके बाद इंदौर में एक दूसरे को लाडली बहना मिठाई खिला रहे हैं, उनसे बातचीत ही करेंगे। मिठाइयाँ खिला रहे हैं आप लोग एक दूसरे को, भैया को कब खिलाने? भैया को भी मिठाई खिलाएंगे, भैया ने हमको इतना बड़ा तोहफा दिया है तो स्वाभाविक है कि मिठाई खिलाना बनता है। और सभी लाडली बहनों में बहुत खुशी का माहौल है कि 250 रुपये तो एक तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने बढ़ाया, उसके बाद हमें गैस सिलेंडर 450 रुपये में मिलने वाला है, तो ये तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। मतलब इससे बड़ा कोई भाई अपनी बहन को तोहफा नहीं दे सकता जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमको हर महीने तोहफे के रूप में दे रहे हैं। इस बार की लाडली बहनें जब भैया इंदौर आएंगे तो मिठाई लेकर ही एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे आप लोग? बिल्कुल, मिठाई भी लेकर पहुंचेंगे, राखी लेके भी पहुंचेंगे, और सारे बैंड बाजे के साथ उत्साह के साथ हम जाएंगे। अच्छा, बैंड बाजे के साथ? बैंड बाजे के साथ पहुंचेंगे वहाँ पे। तो 450 रुपए में आप लोग को सिलेंडर मिलेगी, बहुत खुशी है। बहुत खुशी है कि कितना कितना फायदा होगा, कितना बजट में इसका असर होता है? उसमें अभी 840 की है तो अभी 450 की मिल रही, तो हमको 430 रुपए का फायदा। छोटी छोटी बजट है, जो पैसे हैं बचत वही बजट बनाते हैं, वही बजट बनाते हैं। अब पहले 250 का तोहफा, अब सिलेंडर 450 का, सही आपको मिलता है? हाँ, मिलता ना। कितनी कितनी खुशी है इस फैसले के बाद? अच्छा खुशी है ना। मोहन भैया के लिए क्या कहना चाहेंगे? किनको किनको मिलता है? खुशी है ना, खुशी है। बहन को मिलती, मेरी बहन को। बहन की कितनी बहू की? दो बहू, दोनों बहू को मिलती है। ये तो आपका डबल फायदा हो गया, अब दो सिलेंडर होगा आपके घर में। दोनों अलग अलग रहती है ना, तो दोनों को अलग ही चाहिए ना। तो मिठाई आपने खा ली? हाँ खा ली ना। तो भैया के लिए क्या कहेंगी आप? भैया के लिए अच्छी खुशखबर है ना। अच्छी खुशखबरी है, भैया ने बड़ा तोहफा दिया रक्षा बंधन। हाँ दिया ना। तो यहाँ इंदौर में महिलाएं खुश है। अब पवन का रुख कर लेते हैं। पवन, जबलपुर का वहाँ बताइए कि वहाँ पर जो लाडली बहने हैं वहाँ पर उनके क्या रिएक्शन है, कितनी खुशी उनमें? बिल्कुल, जबलपुर में भी जो है उत्साह है, और हम इस वक्त लाडली बहनों के साथ हैं। सरकार ने वाकई में बहुत बड़ा तोहफा दिया है, और जो वादा उन्होंने किया था वो वादा निभाया है। क्या कहना चाहेंगे? मुख्यमंत्री जी ने आज घोषणा की है कि अब 450 रुपए में लाडली बहनों को सिलेंडर मिलेगा। आज सभी बहनें बहुत खुश हैं क्योंकि ये हमारी सरकार का बहनों के लिए दूसरा तोहफा है। पहले रक्षाबंधन पे 250 रुपए उन्होंने किया था, बहनों को तोहफे के रूप में दिया था, और अब 1 अगस्त से उज्ज्वला योजना का सिलेंडर सस्ते दाम पे मिलेंगे हमारी बहनों को। अब हमारी बहनें उस जो पैसों की बचत से और भी कुछ दूसरा काम कर सकती हैं, और सभी बहनें बहुत उत्साहित हैं, बहुत खुशी हैं। हम सब मिलकर सभी बहनें हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने हम बहनों के लिए इतना अच्छा सोचा, और ये हमारी भाजपा की सरकार ही कर सकती है। बिल्कुल, ये एक बड़ी अगर देखा जाए तो महिलाओं के हित में जो लाडली बहना है उनके हित में कदम है, क्योंकि छोटी छोटी बचत कई बार बहुत बड़े काम करवा देती है। जी, केंद्र सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा एवं मुख्यमंत्री जी के द्वारा हम बहनों के लिए जो लाडली बहना योजना एवं उज्ज्वला योजना के तहत 450 रुपए जो गैस सिलेंडर मिलेगा उससे हम बहनों के लिए बहुत उत्साहित वातावरण है। जो बहनें धुएं में अपनी आंखें खराब हो रही थी, जो चूल्हा जलाती थी, आज उनका भी सपना साकार हुआ। हम सब बहनें मिलकर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को एवं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद बोलना चाहेंगे। महिलाएं धन्यवाद बोल रही हैं। क्या लगता है कि कितना फायदा होगा, और क्या और उम्मीद करते हैं सरकार से, क्योंकि बहनें तो बहुत सारी हैं, बजट को लेकर के काफी चिंता में रहते हैं। सबसे पहले तो देश के मुखिया आदरणीय मुख्यमंत्री जी को और प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी को हम सभी लाडली बहन बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, जिन्होंने आज के इस युग में हम लोगों को कितनी परेशानी होती थी, खाना चूल्हे में बनाना पड़ता था, लेकिन ये जो उज्ज्वला योजना की जो व्यवस्था हुई है इससे हम लोगों को बहुत राहत मिली है, और हम सभी लाडली बहन बहुत खुश हैं। तो देख रहे हैं कि सभी महिलाएं जो है लाडली बहनें मुख्यमंत्री जी को और प्रधानमंत्री दोनों को बधाई दे रहे हैं। जबलपुर हर ओर खुशी का आलम है। अमित जायसवाल खंडवा में बताएं कि वहां पर किस तरह के रिएक्शंस हैं, कितनी खुशी है महिलाओं में?
जी बिल्कुल, अगर खंडवा की बात करें तो खंडवा की जो लाडली बहनें हैं वे भी बेहद खुश हैं, सरकार ने अपना वादा निभाया है। और बहनों का क्या कुछ कहना है उन्हीं से जानते हैं, आज जो सरकार ने फैसला लिया है किस तरह से देखते हैं आप, क्या कुछ कहेंगे? आज बड़ा हर्ष का विषय है, माननीय शिवराज सिंह जी चौहान ने जो लाडली बहनों से वादा किया था उसे आज पूरा किया है। और हमारे यशस्वी और यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री मोहन जी यादव ने आज उसे पूरा किया है। और हमारी सभी लाडली बहनों की तरफ से उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। आप कितना खुश हैं, क्या कुछ कहेंगे? बहुत खुश है, हम तो भैया भी हमारे पति मदद करी तो खुश नहीं होंगे, और मदद भी कर रहे हैं, आशीर्वाद भी देंगे। बिल्कुल, आपको कितना जो है राहत मिलेगी अब आपके किचन में जो है सिलेंडर सस्ता मिलेगा? जी हाँ, अभी तक के नहीं था, आपने करे है 1250 रुपए भी दे रहे हो आप लोग, उसमें भी हमको टंकी में भी आप कर रहे हैं, अभी तक के हम उम्मीद लेके बैठे थे आपने करे नहीं थे, मैं आप कर रहे हैं, आपके धन्यवाद। बिल्कुल, तो धन्यवाद जो है, धन्यवाद का सिलसिला खंडवा से भी लगातार मिल रहा है। शिवराज सिंह चौहान खुश भी है, महिलाएं बधाई भी दे रही दूसरे को और मुख्यमंत्री को आशीर्वाद भी दे रही है, यहाँ पर जो बुजुर्ग महिलाएं हैं। भोपाल चलते हैं, वासु चौरे जुड़े हुए हैं। वासु, आपके पास आना चाहेंगे आप? अब बिल्कुल देखिए, बड़ा फैसला, रक्षाबंधन का त्यौहार आ रहा है, सावन का महीना चल रहा है, और ऐसे में इन त्योहारों की खुशी जो है वो दोगुनी हो चुकी है, क्योंकि 450 रुपए में अब गैस सिलेंडर मिलेगा, यानी कि बजट की नो टेंशन। मैम, कितना बड़ा इस पूरे फैसले को आप मानती हैं सरकार के, और महिलाओं के लिए कितना ये हितैषी? देखिए, ये जो फैसला किया है सम्माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने, ये प्रधानमंत्री जी के निर्देशानुसार किया उन्होंने, बहनों के बारे में सोचा। अब ये घरेलू गैस है, 450 में यदि मिलेगी तो बहनों पर लोड कम पड़ेगा, मैं सबसे अच्छा इनको इसका वो मानती हूँ इनको, क्योंकि बहनों को सबसे ज़्यादा फायदा होगा, सबसे ज़्यादा खुश होंगी। पहले तो वो लाडली बहना बना ही चुके हैं, और अभी 250 रुपये बढ़ा दिए उन्होंने, अभी सिलेंडर वो 450 कर दिया रक्षाबंधन के लिए, पहले ही रक्षाबंधन आने से पहले ही उन्होंने एक गिफ्ट दे दिया बहनों को, तो ये बहुत ही सराहनीय है। और मैं तो सभी बहनों की तरफ से उनको धन्यवाद भी दूंगी कि यशस्वी मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार उनका, उन्होंने बहनों के लिए इतना सोचा कि घरेलू गैस सिलेंडर उन्होंने 450 किया। नारियों को मजबूत करना, महिलाओं को सशक्त बनाना, इससे कहीं ना कहीं देश की तरक्की भी जुड़ती है, क्योंकि ये जो एक राशि जो बचेगी और जो राशि 1250 रुपए के रूप में मिलती है, तो उससे महिलाओं के कई सारे जो काम है वो आसान हो जाते हैं। हाँ, बहुत, देखो महिलाओं का जो अपना खुद का रहता है, महिलाओं को जैसे लाडली बहना मिल रहा है तो उसमें भी उनको सपोर्ट है, क्योंकि वो अपना खुद खर्च कर सकती है, किसी के आगे उनको हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। जिन बहनों को लाडली बहना योजना का लाभ मिल रहा है, और पहले 1000 था, अब 1250 और बढ़ा दिए मोहन यादव जी ने, तो इसका मतलब ये हुआ कि बहनों के बारे में, नारी सशक्तिकरण के बारे में हमारा देश, हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश के मुख्यमंत्री, हमारे देश के MLA, हमारे सारे जितने भी हमारे वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, जितने भी ये लोग हैं, बहनों के बारे में सोच रहे हैं। और पहले जो लाडली लक्ष्मी योजना का शुरुआत हुई, आज मोहन यादव जी ने उसको बढ़ाया है, और मोहन यादव जी इतना बहनों के लिए सोच रहे हैं, बहुत ही सराहनीय है, बहुत ही अच्छा है। हमारी बहुत ही इच्छा है कि वो और आगे जाएं और बहनों के बारे में और ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही कि तीन बड़ी योजनाएं बहनों के लिए, सबसे पहले लाडली लक्ष्मी योजना, उसकी शुरुआत मध्य प्रदेश की धरती से होती है, लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश से शुरू होती है, और अब 450 रुपए में गैस सिलेंडर लाडली बहना योजनाओं को, और जो उज्ज्वला गैस योजना है उसकी जो हितग्राही उनको मिलेगा। तो ये तीन बड़ी योजनाएं मध्य प्रदेश में महिलाओं के हित में अब एक साथ चलती हुई नजर आएंगी, और निश्चित तौर पर यह माना जा रहा है कि इसके अच्छे परिणाम जो है वो आने वाले समय में दिखाई देंगे। जी बिल्कुल वासु, और मिथिलेश इंदौर में आना चाहूंगी। जिस तरह से हमने देखा था कि जब जैसी नई सरकार बनी थी तो उसके बाद से लगातार कांग्रेस से सवाल पूछ रही थी कि कब मिलेंगे लाडली बहना योजनाओं को फायदा, जो ऐलान किए गए थे अधूरे वादे कब होंगे पूरे, तो अब विपक्ष को भी सरकार ने जवाब दे दिया है। देखिए, अगर इंदौर की बात करते हैं तो इंदौर की जनता ने तो जवाब पहले दे दिया, क्योंकि अगर इंदौर की बात करें, इंदौर में 9 विधानसभा है, और 9 के 9 जो विधायक हैं वो बीजेपी से हैं, और तमाम जो यहाँ के सांसद हैं वो बीजेपी से हैं, महापौर जो है वो बीजेपी से हैं, और इस वक्त इंदौर की लाडली बहना जो है उस वक्त मेरे साथ मौजूद है, उनसे फिर बातचीत करेंगे। कितना बड़ा फैसला हो देखती है आप महिलाओं के, खासतौर की महिलाओं के हित में? माननीय प्रधानमंत्री जी से लेकर मुख्यमंत्री जी ने महिलाओं के लिए सारी योजनाओं का लाभ ही महिलाओं को दिया। आज तक जितनी भी योजनाएं हैं वो सब मातृशक्ति को समर्पित है। आज उज्ज्वला योजना देख लीजिए आप,
लाडली बहना योजना देख लीजिए, तो सबसे बड़ी योजना हमारे मध्य प्रदेश की लाडली बहना योजना है। जो वादा किया था वो पूरा किया। हाँ, सभी वादे पूरे हुए। भैया के लिए क्या कहेंगे? ऐसे ही नई नई योजना लाए और हमें लाभ प्रदान करे। महिलाओं में देखने को भी मिल रही है, नई नई योजना आते रहे, बहनों का फायदा होता रहे। जी हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। टीकमगढ़ चलेंगे अब मिथिलेश, क्योंकि वहां भी जाना जरूरी है कि वहां की जो महिलाएं हैं उनको कितना अच्छा ये लगा है फैसला, जो वादे पूरे कर रही है सरकार, एक एक करके योजनाओं को पूरा किया जा रहा है। मैं आपके पास आऊंगी राजीव, बात कीजिए वहां स्थानीय महिलाओं से। देखिए यहाँ पे जो लाडली बहनाएं वो कुछ मौजूद है, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। क्यों आज जो सरकार ने फैसला लिया है कैबिनेट में 450 रुपये में सिलेंडर मिलेगा, आप लोगों को कैसा लगा आपका फैसला सरकार का? बहुत अच्छा लगा, अगर ऐसा हो सकता तो हमारे पैसे बचेंगे उसके लिए, अगर ऐसा हो जाए तो हम लोगों के पैसे बचेंगे आगे और किसी खर्च में हम लोग वो पैसे लेंगे। अभी जो सरकार जैसे 450 रुपये में सिलेंडर देती थी, 1000 रुपया आपको कुछ देती थी, इसके बाद रक्षाबंधन पर भी 250 रुपये सरकार देने वाली है, तो इसका किस तरीके से आप सम्मान करती हैं, सरकार को क्या कहेंगी? सरकार को हम यही कहेंगे कि जो आपने पहल की है बहनों की सोच के, हम लोग इतने पढ़े लिखे हैं फिर भी बेरोजगार हैं, कुछ नहीं कर रहे, तो हम लोगों के लिए जो 1250 की राशि मिल रही है तो उसमें बहुत सहयोग होता है। अगर बढ़ जाती है ये राशि, सिलेंडर भी कम होता है तो बहुत अच्छी बात है। देखिए कुछ महिलाओं का कहना है कि बढ़ जाती है राशि, उसमें सहयोग होता है तो बहुत अच्छा है। कि आपको मिल रहा है लाडली लक्ष्मी महीना का? यार हमको नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल पाया? फॉर्म उस समय भर नहीं पाया था, और भरने की कोशिश की तो डेट चली गई, फिर मतलब फॉर्म जमा ही नहीं, हमारा तो भरा हुआ रखा है। अच्छा, जो सरकार ने फैसला लिया है 450 रुपये में देने वाली है, इसको आप किस तरीके से देखती हैं, क्या लगता है आपको? हमको लगता तो नहीं है कि होगा, लेकिन अब आप सब सरकार बोल रही है तो करेगी। तो महिलाओं का कहना है कि कुछ ना कुछ राहत जरूर मिलेगी। और कैसा लगा आपको सरकार का फैसला? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा फैसला, ये बच्चों के काम में भी आ रहा, हम लोग के सबके काम आ रहा है ये चीज। लेकिन अब हमने लाडली कुटी का पैसा भी 2 साल से भरा है लेकिन अभी तक आया नहीं है। दो तीन साल से भर चुके हैं लेकिन अभी तक एक भी कुछ नहीं आया उसमें। आपको लाडली बहना के पैसे मिल रहे हैं अभी? हाँ वो मिल रहे हैं। तो आप जो सिलेंडर है वो भी आपको 450 रुपये में मिलने वाला है, तो आपके जो बजट है, किचन का बजट है, जो आपका बजट है, किस तरीके से आप उस पैसे को एडजस्ट करेंगी? क्योंकि अभी जो सिलेंडर है वो काफी महंगा आता था, अब कैसा कैसी राहत महसूस करेंगी? बहुत अच्छी राहत महसूस करेंगे कि आगे बच्चों के काम आएगा और कुछ काम में, हर चीज में काम आएगा जो बचेगा अपना बजट। तो जैसा कि महिलाओं का कहना है कि जो कुछ पैसा बचेगा वो बच्चों की पढ़ाई लिखाई के काम आएगा। कुछ बुजुर्ग महिलाएं भी हैं, उनको हम उनसे भी जान लेते हैं कि लाडली महिलाएं हैं, पूरे घर के बारे में सोचती हैं, माँ हैं तो बच्चों के बारे में सोचती हैं, अपने आने वाली पीढ़ी के बारे में सोचती हैं, इसलिए जितनी बचत हो पाए उतना अच्छा रहता है महिलाओं के लिए। बहुत शुक्रिया आप सभी का ही इस बातचीत के लिए, और इस फैसले के बाद महिलाएं जो मध्य प्रदेश की हैं वो काफ़ी उत्साहित भी हैं, खुश भी हैं, और चाह रही कि और सरकार जो है अगले कुछ और दिनों में, आने वाले दिनों में और राहत दे। बढ़ते आगे, दिल्ली में कोचिंग सेंटर में हुए हादसे के बाद राजधानी भोपाल में प्रशासन ने सबक लेते हुए बेसमेंट में चल रहे कोचिंग सेंटर के खिलाफ एक्शन शुरू कर दिया है। कोचिंग हब एमपी नगर में प्रशासन की टीम पहुंची और बेसमेंट में चल रहे कोचिंग संस्थानों को सील कर दिया। जांच के दौरान इन कोचिंग सेंटर्स में आने जाने का एक ही रास्ता मिला, इतना ही नहीं इमरजेंसी में निकलने का कोई इंतजाम नहीं मिला। अब ऐसे कोचिंग सेंटर्स को सील करने के साथ ही इनके संचालकों पर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। कोचिंग हादसे के बाद अब राजधानी भोपाल में भी ऐसी कोचिंग सेंटर पर कार्रवाई होने लगी है, जहां पर बेसमेंट में कोचिंग क्लासेस चल रही थी, ये एमपी नगर की कोचिंग क्लासेस है, जो देखिए आप प्रशासन यहां पर कार्रवाई करते हुए इस कोचिंग क्लासेस को सील कर रहा है, और यहां पर काफ़ी संख्या में स्टूडेंट भी थे और प्रशासन की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। ये पहला कोचिंग क्लासेस है ओरसस जिसको यहाँ पर सील किया गया है, सील किया जा रहा है, और इसके खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई चल रही है, और यहाँ पर कोचिंग सेंटर वालों को हिदायत भी दी गई है कि इस तरह के बेसमेंट में कोई भी कोचिंग क्लास नहीं चलाए जाएंगे। आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर प्रशासन का अमला कार्रवाई करते हुए, यहाँ पर कितने स्टूडेंट्स हैं इसकी जानकारी प्रशासन की टीम ले रही है, और इसको सील करने के बाद यहाँ पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
यहाँ पर ये देखिए पंचनामे पर अफसर हस्ताक्षर करवाते हुए साइन करा कर ये कोचिंग क्लासेस से कि यहाँ पर क्या क्या नियम का पालन हो रहा है और क्या नहीं। तो बेसमेंट में कोचिंग सेंटर है जिसको बंद कर दिया गया है। बड़ी कार्रवाई प्रशासन के यहाँ शुरू कर दी गई है। हम कोशिश भी करते हैं यहाँ पर कि SDM सर सर आशुतोष शर्मा जी हैं यहाँ पर। सर कार्रवाई की गई आज पहली कोचिंग सेंटर पे, क्या खामी मिली यहाँ पर किस तरह? देखिए बेसमेंट में हमको ऐसा प्रतीत हुआ कि क्लासेस कभी संचालित होती होंगी, उसमें टेबल कुर्सियाँ पाई गई, बोर्ड पे भी कुछ कुछ लिखा हुआ था। तो बेसिकली बेसमेंट जो है परमिटेड नहीं है, ये MP नगर कमर्शियल क्षेत्र है, हमने ऑफिस बंद कर दिया है। कंप्लायंस रिपोर्ट मिलने के बाद इस पर विचार किया जाएगा। सर और भी इस तरह कोचिंग सेंटर की अभी बेसमेंट में चल रही लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। कोटेल एकेडमी भी हम गए थे जाँच के लिए, कोटेल एकेडमी पर हमको क्लासरूम में ताला मिला, पर चूँकि वो भी प्राइमर फेसी बेसमेंट में ही था, हमने उसको सील कर दिया है। अब कार्रवाई लगातार जारी रहेगी, बेसमेंट में कोई भी चला रहेगी, बेसमेंट में इस तरह की गतिविधियां संचालित ना हो, और उसके अलावा भी सुरक्षा के अन्य मानकों पे भी हम जांच करेंगे। सर फायर सेफ्टी ऑर्म्स को लेकर भी बात आती है, फायर सेफ्टी पे भी हम जांच करेंगे। हमारे साथ फायर सेफ्टी ऑफिसर्स भी हैं, सतपुड़ा से भी हमने इलेक्ट्रिकल एक्सपर्ट्स को बुलाया है, साथ में है हमारे वो। लिफ्ट ऑडिट भी हम देखेंगे, यदि कहीं लिफ्ट इस्तेमाल होता है तो ऑडिट उसका कराते हैं कि नहीं कराते हैं, कोई फायर एग्जिट है कि नहीं है, यहाँ जो छात्र छात्राएं पढ़ते हैं उनको किसी प्रकार से कभी ब्रीफ किया गया है कि नहीं, कि आपातकालीन स्थिति पे क्या करेंगे, ये सारी चीजें हम देखेंगे। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।